तो बिहार में कोरोना का संक्रमण काफी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और ये कोरोना बहुत ही जानलेवा साबित हो रहा है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। बिहार में कोरोना का कहर नगर विकास विभाग तक पहुंच चुका है और नगर विकास विभाग के कई अधिकारी होम क्वारंटाइन कर दिए गए हैं। खबर के अनुसार नगर निगम के डिप्टी मेयर कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और लगातार वो बैठकें कर रहे थे नगर निगम विभाग के अधिकारियों के साथ, और उनके कोरोना पॉजिटिव आने के बाद नगर विकास विभाग में हड़कंप मच गया है। जो अधिकारी उनके साथ बैठक में शामिल थे वो सकते में हैं, बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और इस बीच नगर विकास विभाग ने एक पत्र जारी करके सभी ऐसे अधिकारियों को होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश जारी कर दिया है। नगर निगम के डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार उर्फ मोहन श्रीवास्तव के सीधे संपर्क में जो भी अधिकारी आए हैं, कर्मचारी आए हैं, उनको होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया है। तो मानकर चलिए कि कोरोना के संक्रमण की वजह से नगर निगम क्वारंटाइन हो गया है। आपको पता ही है कि अभी संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ऐसे में साफ सफाई की बहुत ज़रूरत है। शहर की भी सफाई, घर की भी सफाई। नगर निगम शहर की सफाई करता है, लेकिन नगर निगम के डिप्टी मेयर के संक्रमित हो जाने के बाद उनके साथ बैठक करने वाले ज़्यादातर जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके संक्रमित हो जाने का खतरा पैदा हो गया है और इस वजह से उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो मानकर चलिए कि अब शहर की साफ सफाई व्यवस्था भी प्रभावित होगी। तो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक 8,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, 55 लोगों की जानें जा चुकी हैं। पटना में रेड जोन हो गया है, पटना बेहद खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर संक्रमण की रफ्तार बहुत ज़्यादा है। तो पटना वासियों को सलाह है, या जिन जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, रेड जोन घोषित किया गया है, वहाँ के लोगों के लिए ये सलाह है सिटी पोस्ट की कि आप घर में ही रहिए। बहुत ज़रूरी नहीं हो तो घर से बाहर मत निकलिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखिए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और हमारा बिहार बच पाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि कोरोना का संक्रमण बिहार में कितना खतरनाक रूप ले चुका है, कितना जानलेवा साबित हो रहा है। और ऐसे में हम की आपकी सबकी जिम्मेवारी है कि हम संक्रमण से खुद को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और बिहार को बचाएं। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सिटी पोस्ट लाइव सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखती है सर।